Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher, Ms. Saba Saleem from Bangalore campus. I am teaching you the subject Art of Miniature Painting. The course code is FINE 2121 and it's your third lecture. The topic is History of Early Miniature. The contents are History of Early Miniatures and their details, School of Miniature Painting and details of each school. जी स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने मिनिएचर, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स मीडियम, इंट्रोडक्शन ऑफ वसली एंड कलर्स एंड हमने कुछ क्विजेस किए. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अर्ली मिनिएचर्स. अर्ली मिनिएचर्स में सबसे पहले जैन पेंटिंग्स आती हैं. जैन मिनिएचर पेंटिंग्स आर फाउंड मेनली इन ओल्ड राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, मराठी एंड कनाडा मैनुस्क्रिप्ट्स. द कलर्स वर मेड स्पेशली फ्रॉम वेजिटेबल्स, minerals and even from gold and silver. This art of miniature painting began to decline after 16th century. ये paintings जो हैं वो 16th century के बाद की हैं और इन पर जो है आप देखें कि old Rajasthani paintings में आपको ये found होंगी. As you can see in the picture, आपको उसमें हिंदी टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और आप उनकी पेंटिंग्स के कलर्स देखें, दे आर सो ब्राइट. और इसमें उन्होंने जो पर्सपेक्टिव है, जो फिगर की साइजेस हैं, उन पर इनका फोकस नहीं था. द कॉम्पोजिशन, द ड्राइंग इज़ नॉट दैट मच एक्यूरेट. और इन्होंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ किए हैं. अब यू कैन सी द बॉर्डर, इतनी डिटेल वर्क नहीं है बिकॉज ऑफ द ओल्ड एंड राजस्थानी पेंटिंग्स. वाइल मुगल आर्ट इज रियलिस्टिक, राजस्थानी इज सिंबॉलिक एंड फिल्ड विद पोएटिक मेटाफोर. ऑल मैन आर सिंबल्स और नेचर इज सिंबॉलिक, वुमेन आर सिंबॉलिक ऑफ ऑल फेमिनिटी. आर्टिस्ट अल्टीमेट डिजायर वॉज टू क्लियरिफाई मैंस रिलेशनशिप विद गॉड. जी, इसमें राजस्थानी पेंटिंग्स में एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये सिंबॉलिक है और इसमें जो है मैन जो है वो सिंबल है और नेचर का, और वुमेन जो है वो सिंबल है फेमिनिटी की. और इसमें जो है आर्टिस्ट की जो डिज़ायर है वो आदमी की अपने गॉड से जो रिलेशन है उसने उसको इसमें डिपिक्ट किया है. इसमें अगेन आप देखें उस तरह से डिटेल्स नहीं है. आप रॉक्स देखें, दे आर इन स्टाइलाइज्ड फॉर्म. जो प्लांट्स हैं वो और कलर्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम जैन पेंटिंग्स, बट इट्स बेटर देन जैन पेंटिंग्स. इसकी ड्राइंग जैन पेंटिंग से काफ़ी इलेबोरेट की हुई है. जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा जो पेंटिंग्स हैं वो और ज़्यादा इलेबोरेट हुई, और ज़्यादा रियलिस्टिक हुई. और जो काम हमें मुगल पेंटिंग में ज़्यादा नज़र आएगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी. द डिक्लाइन ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग रिजल्टेड इन द राइज ऑफ द राजस्थानी स्कूल. राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस स्कूल्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन दे वर क्रिएटेड इन. द मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हदौती स्कूल, दुहदार स्कूल, कांगड़ा एंड कुल्लू स्कूल्स ऑफ आर्ट आर ऑल पार्ट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग. लाइक द मुगल एम्परर्स, द राजपूत रूलर्स वर आल्सो लवर्स ऑफ आर्ट एंड गेव देयर पैट्रोनेज टू मिनिएचर पेंटिंग्स. कलर यूज वर ऑफन बोल्ड एंड कंट्रास्टिंग इन नेचर. नेचुरल कलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, मिनरल शेल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स were used. The preparation of colors itself would often take weeks and only fine brushes were used. The difficult art of miniature painting still exists in Rajasthan.
where the painters often use paper, ivory, and silk as their canvas. However, natural colors are no longer used as they have been replaced by artificial colors. जी, as you can see कि राजस्थानी पेंटिंग से जो है वो मुगल पेंटिंग आगे फर्दर निकली थी, ठीक है. इसमें जो है वो राजस्थानी स्कूल के फर्दर आगे से स्कूल्स के नेम बताए हुए हैं और पेंटिंग्स का बताया है कि उसमें किस तरह से बोल्ड कलर्स यूज किए गए हैं. आर्टिस्ट उस टाइम पे नेचुरल कलर्स यूज करते थे और उसमें जो है उनकी जो वो प्रिपेयर करते थे कलर्स, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. ब्रशेस जो वो बनाते थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेजर पेंटिंग पहाड़ी स्कूल. पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इमर्ज इन द 17th सेंचुरी. दीज पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड इन द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द हिमालया रीजन. इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल स्कूल एंड द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स फ्लरिश्ड इन द जम्मू एंड गढ़वाल रीजन्स फ्रॉम 17th to 19th centuries. Usage of bold and contrasting colors shows the influence of Rajasthani school of miniature paintings. Heavily decorated frames and borders exhibit the influence of the Mughal school. जी, मुगल स्कूल से this school was inspired by the Mughal school. As you can see, the figures are also inspired by the Mughal school. You can see the arches, they use Islamic arches and the patterns on the clothes of the women, the way they are dancing, they adopt the traditions of Mughal era. Pahari school jo hai wo inspired the Mughal टाइम के आर्टिस्ट थे. सो दे ट्राई टू वर्क लाइक दैट. एज यू कैन सी द वेरी डेकोरेटिव बॉर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं, जी जिसको हम हाशिया कहते हैं. और आप देखें कि इट्स ब्यूटिफुली पेंटेड बाय द पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्टिस्ट. और आप इसमें सम हाउ द कलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इफ वी कंपेयर विद द मुगल आर्ट. थोड़े से कलर्स डिफरेंट हैं बट फिगर देयर फीचर्स देयर स्टाइल ऑफ पेंटिंग पर्सपेक्टिव इज मोस्टली रिलेटेड टू द मुगल आर्ट. नेक्स्ट इज अगेन इट्स अ पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट वर्क, लेडी विद अ हॉक. 1750 की पेंटिंग है. इसके की फीचर्स हैं सेट आफ्टर 25 इयर्स ऑफ सेज ऑफ लंका. द मुगल इन्फ्लुएंस हैज सेट इटसेल्फ इनटू द मेन स्ट्रीम स्टाइल. द सबटाइल टोन्स एंड शेडिंग स्किलफुली डिपिक्ट द फ्लैश टोन्स शेयर फैब्रिक्स एंड द सेटिंग इन द इनर अपार्टमेंट ऑफ द पैलेस. एज यू कैन सी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देवर पहाड़ी स्कूल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल आर्टिस्ट एंड देयर वर्क. आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फिगर इज मोस्टली लाइक द मुगल फिगर्स. और इसमें जो है वो बड़े स्किलफुली और फ्लैश स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है.
और ये पैलेस के इनर अपार्टमेंट का सीन है, और एज सच उस तरह से इसमें डिटेल्स आपको नज़र नहीं आएंगी। अगर किसी मुगल आर्टिस्ट को सेम कॉम्पोजिशन दी जाए तो वो इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे, इसको और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाएंगे, इवन दे विल यूज़ वेरी विविड एंड ब्राइट कलर्स इंस्टेड ऑफ दिस पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, आई होप आपको इसकी समझ लग गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। बिगनिंग फ्रॉम द पाला स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, सेवरल स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इवॉल्व्ड इन इंडिया ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल सेंचुरीज। दीज स्कूल्स वर द प्रोडक्ट्स ऑफ द सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एटमोसफियर prevalent in different regions of India. Some of the important schools of miniature paintings are mentioned below. जी, miniature का जब जहाँ teach किया जाता था, basically miniature produce ही in schools के through हुआ। जब बाबर जो है वो two Persian artists को Persia से लेकर आया, तो उसने इन schools में इन आर्टिस्ट से उनको इंट्रोड्यूस करवाया। दोनों ने मिलकर जो काम किया वो मुगल आर्ट कहलाता है, और ये दोनों के जो आर्ट को तो जब हम जक्स्टापोज करेंगे तो ये सारे स्कूल्स उसमें से निकलते हैं, जिनमें राजस्थानी हैं, पाला पेंटिंग्स हैं, जैन पेंटिंग्स हैं। ये जितने भी मैं आपको स्कूल्स पढ़ा रही हूँ, देवर ऑल इंक्लूड इन दीज स्टाइल्स, जिसमें आपको मुगल स्टाइल भी नजर आएगा और पर्शियन भी स्टाइल नजर आएगा बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट। ठीक है, पहले जो है स्कूल था वो पाला स्कूल था। द अर्लिएस्ट इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू द पाला स्कूल डेटिंग बैक टू द 8th century. This school of painting emphasized on the symbolic use of colors, and the themes were often taken from the Buddhist tantric rituals. Images of Buddha and other deities were portrayed on palm leaves and were often displayed in Buddhist monasteries. As you know ke Indian jo hain unke liye source of inspiration and they worship Buddha. So they add their Buddha in these images. ठीक है, साथ में the topics were love stories and the scenes of the weddings. इस तरह की चीजें आपको पाला स्कूल में नजर आएंगी, as you can see in the image. दे पेंटेड बुद्धा इन ब्लू कलर सो दैट जो है वो बाकी सब फिगर से डिफरेंट नजर आए, प्लस ये पीछे जो है वो एक सर्कल सा बनाते हैं जिससे उसको अलग से इम्पोर्टेंस नजर आती है, देखने वाले को अलग से इम्पोर्टेंस शो करने के लिए उसको पीछे से सर्कल बनाया जाता है। As you can see the colors are very very bright because of the night scene दिखाया गया है, और साथ में आप इसके border देखें, border में जिद्वल का इस्तेमाल किया गया है। जिद्वल मैंने आपको बताया था कि 0.5 inch का border है, और पीछे background में आप देखें perspective, हर एक एक चीज का उन्होंने खास ख्याल रखा है। blue color को again कहीं और भी इन्होंने यूज किया हुआ है, देखें जैसे आप ट्रीज में देखें, आप जो ट्रंक हैं ट्रीज के, इवन जो क्लाउड्स हैं उसमें भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर को ऐड किया हुआ है। ठीक है, इवन यू कैन सी द क्लोथ्स ऑफ द ऑल द फिगर्स, जितने भी ये फीमेल हैं इनके क्लोथ्स इंस्पायर्ड बाय द मुगल आर्ट, आप मुगल पेंटिंग्स में देखेंगे तो उनके भी एग्जैक्टली इसी तरह के ड्रेसेस हैं, फीचर्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं। ठीक है, इट्स अ टॉपिक बेस्ड पेंटिंग, और भी उन्होंने बहुत सी टॉपिक बेस्ड पेंटिंग्स बनाई जिनमें रिलीजियस भी थी। उस टाइम पे जो भी एक्टिविटीज होती थी उनको भी पेंट किया जाता था। हिस्ट्री, जी,
जिस तरह मैंने आपको बताया पहले, जो इसका ओरिजिन है मिनिएचर पेंटिंग का, हुमायूं बिकेम एनमोर्ड बाय द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन पर्शिया। ही ब्रॉट बैक टू पर्शियन मास्टर्स, मीर सैयद अली एंड अब्दुसमद। दे बिकेम द फाउंडर्स ऑफ द न्यू मुगल स्कूल ऑफ इंडियन पेंटिंग। हुमायूं'स मेजर नोन कमीशन वॉज अ खमसा ऑफ निजामी विद 36 इल्यूमिनेटेड पेजेस। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है वो सबसे पहले पर्जिया क्या, जैसे किंग जो है वो कॉन्कर करते हैं, फतह करते हैं प्लेसेस को, व्हेन हुमायूं कॉन्कर पर्जिया ही ब्रॉट टू आर्टिस्ट, वहाँ वो दो आर्टिस्ट के काम से बहुत इंस्पायर्ड हुआ, सो ही ब्रॉट देम बैक टू इंडिया, जिनके नेम हैं मीर सैयद अली एंड अब्दुसमद। दे आर वेरी फेमस आर्टिस्ट इन हिस्ट्री, और ये आपके एग्जाम्स में, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है इनके बारे में, इसलिए इनका नाम जो है वो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। जो वेरी फेमस पर्शियन पेंटर्स जो हैं उनमें, उनका नाम क्या है, मीर सैयद अली एंड अब्दुसमद। ओके, फिर हुमायूं ने जो सबसे मेजर जो हिस्ट्री में हमें उनके काम नज़र आता है वो खमसा ऑफ निज़ामी, इट्स द नेम ऑफ द बुक, जिसमें 36 जो है पेजेस हैं, और उसमें जो है उसमें उन्होंने हुमायूं ने अपनी सारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको शो किया है। उसमें दरबार के सीन हैं, वॉर सीन है, और जो डेली बेस पे उनके एक्टिविटीज़ होती थी वो दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ इसमें जो पोर्ट्रेट हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं, आपको वो भी नज़र आएंगे। इवन यू कैन सी द टेक्स्ट, इसमें जो है वो फारसी लिखी हुई है, और आप बॉर्डर देख सकते हैं, बॉर्डर इज मेड फ्रॉम गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड लीफ से पेंट हुआ है ये, और बिकॉज ऑफ द नेचुरल कलर्स ये पेंटिंग्स अभी भी जो हैं वो सेव हैं। अगर आप म्यूजियम जाएं, आप वहाँ पे ये आपको पेंटिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, हुमायूं के बाद अकबर जो है वो कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अकबर ने हुमायूं के ही स्टेप्स को आगे लेकर उसने इसी चीज को फर्दर फ्लरिश्ड किया। अकबर बिटवीन 1562 एंड 1577 द एटेलियर वर्क on an illustrated manuscripts of the Hamzanama consisting of 1400 canvases folios। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने खमसा बनाई थी पेंटिंग जो बुक थी, इसी तरह से अकबर की जो बुक्स हैं उसने जो बुक बनाई जिसमें 1400 canvases ऐड थे, वो उसको हमजानामा कहा जाता है। इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन हमजानामा बिकॉज आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो आपको पर्शियन आर्टिस्ट का पता होना चाहिए, फेमस कौन से हैं, और हुमायूं के टाइम पीरियड में कौन सी उसकी बुक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। मैं आपको अकबर का बता रही हूँ। अब आप ये देखें कि एक बुक विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 1400 कैनवसेज, कैनवसेज मीन्स पेंटिंग्स थी उसके अंदर, 1400 पेंटिंग्स थी, तो आप देखें कि इतना ज़्यादा उसमें काम है, तो वो क्यों ना अभी तक हिस्ट्री में उसका नाम हो, वो क्यों ना फेमस हो, ठीक है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस, उन पेंटिंग्स में आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी नज़र आएगा। कल्चरल synthesis can be traced from its flat decorative beginnings through a blending with a lively Rajasthani and finally to its move towards realism. Illustration of manuscripts with themes from Persia, literature, Indian epics, court scene, animal fables and battles. Mughal style during this period continued to refine itself with elements of realism and naturalism coming to the fore. जी, as you can see in the picture, जी, तो हमने क्या इसमें पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा इनमें पेंटिंग्स में यूरोपियन इन्फ्लुएंस था। As you can see in the pictures, कि आप उनकी बोर्ड की शेप्स देखें in this picture,
जो रिवर का सीन दिखा रहे हैं, आप इनकी बोट का स्टाइल देखें, इट्स लाइक यूरोपियन। और इसमें आप देखें कि जो कैनवासेस थे, जो पेंटिंग्स थी, उनमें कोर्ट सीन थे, एनिमल फेबल्स थे, बैटल सीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस टाइम के जो एम्परर्स थे, जो किंग हैं, दे वांट टू पेंट देयर ओन सेल्फ लाइक पोर्ट्रेट्स, दे वांट टू शो देयर एक्टिविटीज। वो डेली बेस पे होती थी, वो जिस तरह से वो हंटिंग का सीन दिखा रहे हैं, जैसे वो वॉर सीन दिखा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई वेडिंग सीन है, इवन पैलेसेस में जो इनकी एक्टिविटीज होती थी, जो डेली बेस पे इनका जो दरबार लगता था, उसकी बहुत सारे सीन्स आपको नजर आएंगे। आर्टिस्ट ने अपनी चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन तक कन्वे करने के लिए उसने पेंटिंग्स के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाई हैं जो हम आज देख रहे हैं। हम इन पेंटिंग्स के थ्रू ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में लोग किस तरह से, जो हमारे एम्परर हैं, वो डेली बेस पे किस तरह से काम करते थे, किस तरह के उनके गेटअप्स थे, बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि आर्टिस्ट उस टाइम में, एक तो पेंटिंग्स के साइजेस काफ़ी बड़े होते थे, प्लस एक पेंटिंग में एक आर्टिस्ट काम नहीं करता था, बहुत, अगर इट डिपेंड्स ऑन द साइज, बट आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट एक पेंटिंग में काम करते थे। लाइक एक की ड्यूटी थी कि वो जस्ट फीचर्स बनाएगा, एक की ड्यूटी है कि वो जस्ट पैटर्न बनाएगा पेंटिंग में, एक ही ड्यूटी है कि वो जस्ट फोलिएज बनाएगा, ट्रीज बनाएगा, ठीक है, इवन परदाफ करेगा। ये इंफॉर्मेशन जो है, इट्स वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर योर पेपर्स एंड फॉर योर नॉलेज एज वेल। जहांगीर, अंडर जहांगीर, अकबर्स लाइवली नेचुरलिज्म वॉज एडवांस इंटू अ कामर एंड स्ट्रॉन्गली रियलिस्टिक अप्रोच, ब्रश वर्क बिकम फाइनर एंड द कलर्स लाइटर, यूरोपियन इन्फ्लुएंस इंकरेज हिज रॉयल एटेलियर टू टेक अप द सिंगल पॉइंट परस्पेक्टिव फेवर्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट, अनलाइक द फ्लैटर्न मल्टी लेयर्ड स्टाइल यूज इन ट्रेडिशनल मिनिएचर्स। पेंटिंग्स डिपिक्टिंग इवेंट्स ऑफ हिज ओन लाइफ, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स एंड स्टडीज ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स। जी स्टूडेंट्स, ये इमेजेस थोड़े से ब्लर हैं बिकॉज ऑफ द एज ऑफ दिस पेंटिंग्स, ये बहुत ओल्ड हैं, इनको कैप्ट किया गया है, प्रिजर्व किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके कलर्स और कुछ फीचर्स जो हैं वो डल हो चुके हैं। इसलिए जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अकबर के टाइम में वो अपनी उनकी थीम क्या होती थी, इसी तरह से जहांगीर ने उसी चीज़ को आगे लेकर और ज़्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल वर्क किया। उसने प्लांट्स को और नेचर को और ज़्यादा एलेबोरेट किया, जिसमें बर्ड्स थे, फ्लावर्स थे, एनिमल्स थे, ठीक है। आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, इवन वो उसके दरबार का सीन लग रहा है, बट उसने फ्लावर से अपने बॉर्डर को कवर करवाया है। इवन इन दिस अदर पेंटिंग यू कैन सी अ ट्री विथ सो मच फोलियज एंड लीव्स, और इसमें आपको बहुत सारे बर्ड नजर आएंगे, अगर आप इस पेंटिंग को जूम करके देख सकें, आपको एनिमल्स भी इसमें बहुत सारे नजर आएंगे। ओके, सो टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे जो भी किंग आता रहा, एम्परर आता रहा, उसने उस स्टाइल ऑफ पेंटिंग में चेंजेस भी लाया, और काम और ज़्यादा फ्लरिश हुआ, और ज़्यादा रियलिस्टिक की तरफ सब एम्परर्स ने फोकस किया था।